मेरे लिए शो का कोई कैरेक्टराइजेशन नहीं होता है. आई फाउंड दिस कैरेक्टर थ्रू अ लॉट ऑफ म्यूजिक. अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द शो अभिषेक निगम, जीरा बख्तर, जो उसे नहीं बनना चाहिए जो श्रापित होता है कि अपने अंदर की बुराई को अपने अंदर की अच्छाई से हराना पड़ता है. हाय हाय, आई एम डूइंग गुड. आई थिंक सो. मैं वैसे नहीं देखता हूँ. मेरे लिए शो का कोई कैरेक्टराइजेशन नहीं होता है. बस मेरा जो किरदार है वो इमोशनली और साइकोलॉजिकली कैसा है, मैं वो समझने की कोशिश करता हूँ, जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ. हालांकि कोई नई जगह होती है तो वहाँ जाके एडजस्ट करके आपको एक किरदार बनाने में ही 1 महीना निकल जाता है. मेरा पूरा काम ही 1 महीने का है ज़्यादा से ज़्यादा. तो कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे आके बेस्ट दे सकूँ. बिल्कुल, चैलेंजेस होते हैं हर एक चीज़. डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस हर एक नई नई जगह पे होते हैं. तो यहाँ पे आने के बाद पहले तो एक किरदार बनाना, क्रिएट करना एंड स्टेइंग ट्रू टू इट, नॉट जस्ट लाइक एक्टिंग लाइक हातिम, बट एक हातिम जो मैं जी रहा हूँ अपने अंदर से, वो पहले क्रिएट करना पड़ता है. तो उसके लिए अलग से आई थिंक सो. आई फाउंड दिस कैरेक्टर थ्रू अ लॉट ऑफ म्यूज़िक. वो आइडियोलॉजी पकड़ने का एक इनिशिएशन मुझे म्यूज़िक के थ्रू मिला. मोस्टली कैरेक्टर्स मुझे वहीं से मिलते हैं. तो वही करते करते फिर यहाँ पे आके एक नए सेट पे द डिफरेंट पीपल, दे आर यूज टू अ डिफरेंट पैटर्न ऑल टुगेदर. कोई भी दो डायरेक्टर्स सेम काम नहीं करते हैं, सबका अलग अलग होता है. स्कूलिंग साथ में भी हो तब भी दो अलग अलग डायरेक्टर्स अलग अलग काम करते. तो वहाँ पे धीरे धीरे एडजस्ट होना, सीखना, समझना हाउ थिंग्स वर्क, अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द शो. अभिषेक निगम मेरा दोस्त है, बट फिर भी एज एक्टर्स व्हेन यू परफॉर्म धीरे धीरे यू गेट यूज टू सर्टन थिंग्स एंड देन यू परफॉर्म, यू अंडरस्टैंड हाउ द अदर एक्टर इज थिंकिंग एज वेल. सो बहुत सारी चीज़ें हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अपना बेस्ट दे सकें. हम पहले सवाल का जवाब ढूंढने के लिए निकल पड़े और ये बहुत अमेजिंग लगता है क्योंकि ऐसा सोचा नहीं था कभी कर पाऊँगा, तो कर रहे हैं इस बार एंड अलग तरीके से कर रहे हैं. इसमें अभिषेक, यस लेट्स से अली बाबा एक आर्मर पहन लेते हैं, बख्तर पहन लेते हैं, ज़ीरा बख्तर, जो उसे नहीं पहनना चाहिए जो श्रापित होता है, तो उसे पहनते ही शैतान का कब्ज़ा उस पर हो जाता है. और वही हम उसको उससे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं. तो बहुत एक छोटा सा बहुत प्यारा मैसेज दिया है इसमें कि अपने अंदर की बुराई को अपने अंदर की अच्छाई से हराना पड़ता है ना. वही चीज़ वो भी कोशिश कर रहा है. और इसमें अगर कोई चीज़ उसे सबसे ज़्यादा हेल्प करती है तो वो है उसकी अम्मी, माँ का प्यार. और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इस सीन के बारे में. मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच. बहुत सारे लोग हैं, मैं जब से ये शो शुरू हुआ है मेरा परफॉर्मेंस आ रहा है स्क्रीन पे, आई थिंक सो. कई बार मैंने ट्विटर पे स्पेशली बहुत सारा प्यार देखा. थैंक यू सो मच गाइस. एक चेंज बहुत सारे एक्टर्स के लिए लाना बहुत मुश्किल होता है. 4.5 साल मेरा एक सफ़र रहा है जो बहुत खूबसूरत रहा है और ज़िंदगी भर याद रहेगा. और उसके बाद एक नया तुरंत ही ऐसा कुछ करना, मैं मुझे पसंद है चैलेंजेस, बट वो चैलेंजेस क्या सब लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो ये सवाल मेरे मन में था और कई सारे लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया, एम्ब्रेस किया और बहुत सारा प्यार दिया. तो जिन लोगों ने ये चीज़ की है उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. थैंकफुल. थैंक यू सो मच.